से ये बात है कि आज सुबह कोई 11:30 के टाइम के इस पे हमें खबर मिली थी कि एक जैश का चीफ ऑपरेशनल कमांडर है जिसका नाम खालिद है, वो इस वक्त लडूरा में स्पॉट किया गया है। तो हम लडूरा में एक कोवर्ड पार्टी लॉन्च की हमने 6 अफसरों की, जिसमें एक डीएसपी ऑपरेशन हेड कर रहा था, उसके साथ बाकी जवान थे। हमने यहाँ आके इसको चैलेंज किया है। ये यहाँ स्कूल के सामने एक जगह पे चल रहा था, ये पैदल चल रहा था और हमने इसको आके चैलेंज किया। जब हमने इसको चैलेंज किया, इसने भागा और इसने पार्टी पे ग्रेनेड मारा। ग्रेनेड मारने के बाद पार्टी पे पिस्टल के फायर किए, पार्टी ने रिटेलिएट किया और ये उसमें जख्मी हुआ। जख्मी होने के बाद ये भागा कोई 500-600 मीटर गांव के अंदर घुस गया और उस ब्लड ट्रेल पे हमने उस घर को घेर लिया और उस घर में ये ब्रीफ एनकाउंटर के बाद मारा गया। सर रिकवरी क्या है? सर रिकवरी इसके पास एक पिस्टल है और उसके अलावा 2 ग्रेनेड। ये इसका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये पिस्टल और ग्रेनेड लेके चलता था। इसका बड़ा वेपन जो था डंप रहता था। सर कितने सालों से एक्टिव था यहाँ पे? ये कोई 7 सालों से एक्टिव था और ये हमारे घेरे से कई बार पहले भी निकल चुका था। और ये जो है कोऑर्डिनेट करता था, जो फिदाइन अटैक वगैरह श्रीनगर में होते थे ये वहाँ कोऑर्डिनेट करता था और ये फिदाइन अटैक्स वगैरह को जेश वाले जो करते थे उनमें इन्वॉल्व था। इसकी हमारी तरफ से कोई कैजुअलिटी नहीं है। इसकी जो फर्दर डिटेल्स है आईजी कश्मीर आपको ब्रीफ करेंगे श्रीनगर। थैंक यू। के बारे में जनरेट हुआ था जो कि विलेज लाडूरा के आसपास के बारे में था। इसी इनपुट पे एक्ट करते हुए जो है पुलिस पार्टी, जो सुपोर्ट पुलिस की है, उसने एक ऑपरेशन लॉन्च करा जिस दौरान उसने इस मिलिटेंट को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी और इसी दौरान उसने पुलिस पार्टी पे कातिलाना हमला करते हुए पिस्टल फायर और ग्रेनेड लॉब करे। उसके बाद वो पास के जो रिहायशी एक घर में जाके घुस गया और इसके बाद पुलिस ने आर्मी 32 RR, CRP 179, 177 और 92 बटालियंस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करा और उस इलाके का मुहासरा करा और उसमें एक मुख्तसर से ऑपरेशन में गोलियों का तबादला हुआ और उसके बाद एक मिलिटेंट मारा गया। बाद में ये मिलिटेंट आइडेंटिफाई हुआ जिसका नाम है खालिद अलियास शाहिद शौकत, जो कि चीफ ऑपरेशनल कमांडर जैश ए मोहम्मद आउटफिट का है जम्मू कश्मीर में। और इस आतंकवादी ने काफ़ी जो है दहशतगर्दाना वारदातों को अंजाम दिया है कुपवाड़ा इलाके में, हंदवाड़ा इलाके में, सोपोर इलाके में और ये इन्वॉल्व सिविलियन किलिंग्स, पुलिस पर्सनल किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक में भी मुलव्वित रहा है और इसने कई फिदाइन अटैक्स और उसमें भी इसने अपना प्लानिंग में और उसके एग्जीक्यूशन में इसका काफ़ी रोल रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस की और आर्मी के और CRP के ताउन से एक बड़ी कामयाबी है। तो कितने दिनों से एक्टिव था ये सर और कितनी बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्स? ये करीबन काफ़ी सालों से एक्टिव था, लगभग 2010 के करीबन से ये एक्टिव था और ही वाज क्वाइट टॉप 5 कश्मीरी कमांडर्स में था। ये ए प्लस प्लस कैटेगरी में क्लासिफाइड था तो लिहाजा ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है।